दोस्तों ये सियाग भाई का रूम है, यहाँ से मैं मोबाइल ले लिया हूँ दोस्तों। मुझे मोबाइल और चार्जर दे दिए हैं, मैं चल रहा हूँ दोस्तों अपने रूम पे। देखिए यहाँ पे छोटा सा गार्डन बनाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए इधर पूरा हरा भरा दिख रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सियाग भाई का रूम है दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ अपने रूम की तरफ दोस्तों। इधर यहाँ भी पड़ी हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं दोस्तों, और मैं अपने रूम पे ही दोस्तों, मैं अपने ड्यूटी के लिए दोस्तों रेडी रहता हूँ दोस्तों। लेकिन जो मेरा डेली का रूटीन है मकतब का दोस्तों, वो अभी नहीं चालू नहीं हुआ दोस्तों। आज संडे है, लेकिन उम्मीद था कि आज से मकतब का ड्यूटी रहेगा दोस्तों। लेकिन ये जो मैडम जाती है ड्यूटी, वो अपनी माँ के साथ में कहीं सफ़र में है दोस्तों। और अभी मुझे कुछ टाइम के बाद में दोस्तों 11:15 बजे मदरसे में जाना है, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया है पहले से ही, उसकी माँ यहीं पर आ गई है दोस्तों, जो मैडम की बड़ी वाली बेटी है। सुबह ही बच्चे को मदरसे छोड़ने के बाद में यहाँ पर आ गई, तो फ़ोन करके बता दिए दोस्तों। तो 11:30 बजे मुझे बेल मारना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों अभी सॉरी, मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं बाहर की वीडियो नहीं दिखा पाता हूँ दोस्तों आप लोग की। तो ये अभी 9:30 बजे, लेकिन धूप इतना ज़्यादा है अभी। जब बीच में 2-3 दिन दोस्तों बारिश हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था दोस्तों। लेकिन अभी फिर से हम लोग AC चालू कर दिए हैं दोस्तों। मैं आप लोग से बताया था मुझे आज मदरसे की ड्यूटी है दोस्तों, तो अभी मैं मदरसे में आया हूँ। और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। तो मैं अभी आ गया हूँ मदरसे में। मैं आप लोगों से बताया था कि मैं आज मेरी मदरसे की ड्यूटी है। और बताइए मदरसे में, ये सामने बस खड़ी है दोस्तों, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों गाड़ी के अंदर से ही दोस्तों। इधर सभी ये बच्चे को लेके अपना निकल रहे हैं दोस्तों। इधर ये सामने निकल रही है, ये देखिए जा रही है दोस्तों एक ये। दोस्तों अभी मैं मदरसे से निकलने के बाद मैं इधर आ गया हूँ। ये हॉस्पिटल है दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं इसमें आया हूँ। इसमें ये जो है मैडम बच्चे को अपने लेके आई है दोस्तों। देखिए कितना प्यारा घर बना हुआ दोस्तों, इसमें अंदर खजूर का झाड़ लगाया है दोस्तों। और ये दोस्तों ये सामने हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की दोस्तों। मैं इधर पार्किंग में वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों सामने ये हसन मिन अली रोड है, और ये पीछे मलाही रोडा है दोस्तों। तो ये 20 से दोस्तों ये बहुत चालू रोड है दोस्तों। ये हॉस्पिटल के पास से यहाँ से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजरती रहती हैं दोस्तों। ये सामने जो गली है, इसमें खतरा रहता है दोस्तों। दोस्तों आधा घंटा से इंतज़ार कर रहा हूँ, लगभग 30 मिनट हो गया है दोस्तों, और मेरे लाइव काफ़ी लेट हो रहा है। लेकिन ड्यूटी है, पहले ड्यूटी दोस्तों देखना है। ये गाड़ी के अंदर बैठे हूँ दोस्तों AC चालू करके, सामने हॉस्पिटल है, ये वाला गेट है दोस्तों। दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद में भी मैं ये दूसरे हॉस्पिटल में दोस्तों आया हूँ। ये छोटे हॉस्पिटल उसी का जो है दोस्तों, दूसरा ये है, ये इसमें लिखा हुआ भी है दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दोस्तों। ये अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये सामने वाला कितना प्यारा घर बना हुआ है दोस्तों, उसका गेट भी बहुत अच्छा लगा हुआ है दोस्तों। और ये सामने खजूर का झाड़ है, तो ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, इसी के मकान है दोस्तों ये। और ये देखिए इसमें अंदर एक नर्स भी खड़ी हुई है दोस्तों, वाइट ड्रेस पहन के दोस्तों। ये आगे जो है दोस्तों गार्डन है दोस्तों। आज मेरी ड्यूटी कुछ लंबी लग गई थी दोस्तों, तकरीबन मैं 4 घंटे के बाद अपने रूम पर आया हूँ दोस्तों। ऐसा ही यार एमरजेंसी में दोस्तों ड्यूटी लग गई, ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग तो सफ़र पर हैं, बड़ी वाली लड़की यहीं पर है। पहले यहाँ से निकले तो ये मदरसे के लिए निकले थे दोस्तों, उसके बाद में फिर वहाँ से एक हॉस्पिटल, वहाँ से निकली तो दूसरे हॉस्पिटल, ऐसा फिर जब रूम पे छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं रेस्टोरेंट पे दोस्तों गया था, मगलूबा बिरयानी पे दोस्तों। वहाँ से इन लोग का बिरयानी दोस्तों लेके आना था, मगलूबा बिरयानी। ये बिरयानी वहाँ पे बहुत रंग की बिरयानी मिलती है दोस्तों, और ये बिरयानी नहीं है, बहुत नाम है, मैं इसलिए आप लोग को नहीं बता इतना बता सकता दोस्तों पूरा मीनू। यहाँ सऊदी का रेस्टोरेंट नहीं है दोस्तों, ये बाहर का रेस्टोरेंट है दोस्तों। ये इसमें सेम जैसे इंडिया का दोस्तों डिश रहता है पूरा सारा डिश। दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इश्तियाक भाई के रूम पे जा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ से दोस्तों इश्तियाक भाई के पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है दोस्तों, जो अभी खाली है, बाकी तो अभी उनके पास मोबाइल के जो है कमी है दोस्तों, क्योंकि वो लोग अभी दो लोग हैं दोस्तों, अपनी फैमिली से यहाँ पर हैं दोस्तों, अभी वो अपनी फैमिली बुलाए हैं। तो मैं इश्तियाक भाई के रूम पर जा रहा हूँ दोस्तों, उनको फ़ोन करता हूँ बाहर निकलेंगे दोस्तों। उनके पास एक मोबाइल लेके आना है दोस्तों प्लेलिस्ट चलाने के लिए। थोड़ी देर पहले मेरे रूम पे आए थे, बोले मेरे रूम पे पड़ा हुआ है एक फ़ोन, लेके आ जाओ आईफोन, उसे से अपना प्लेलिस्ट ऑन कर दो। वही जा रहा हूँ लेने के लिए। ये देखिए इधर से ये लेबर लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर जो घर में काम चल रहा है, अभी जा रहे हैं अपने रूम पर दोस्तों। ये देखिए यहाँ से पूरा ये टाइल काम चल रहा है दोस्तों, ये टाइल कटर वटर सब रखे हैं नीचे बाहर दोस्तों। अभी मैं इस भाई के रूम से मोबाइल लेके अपने रूम पे आ गया हूँ दोस्तों। अभी अभी मैं अपने रूम का काम है दोस्तों, मैं अपने रूम का काम करने चल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी मैं मेरी ड्यूटी जो नाइट में थोड़ा बहुत लगती है इधर उधर सामान लेने के लिए, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है,
बाकी मेरा जो है उस टाइम पे लाइव का टाइम रहता है दोस्तों, और मैं और किसी का भी सपोर्ट करते रहता हूँ दोस्तों, मुझे लोग मेरा सपोर्ट करते हैं तो मुझे सपोर्ट करना ज़रूरी है दोस्तों एक दूसरे का, इसलिए अभी मैं वीडियो कम बना पा रहा हूँ दोस्तों। और जब ज़्यादा मेरे दोस्तों यूट्यूब पर आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इस याग भाई ने आज मेरे साथ समझ लीजिए बहुत बड़ा एहसान किया दोस्तों, उन्होंने अपना मोबाइल दे दिया है दोस्तों, क्योंकि मेरा ही काम है दोस्तों। उन्होंने इसिया भाई ने खुद बोला कि मेरे रूम पे मोबाइल पड़ा है आके लेके आ जाओ दोस्तों, तो मैं गया लेके आया। फिलहाल वो उनके पास जो मोबाइल है वो अपने रूम से सपोर्ट करते हैं, मेरी हर वीडियो वॉच करते हैं दोस्तों, उनके पास जो भी टाइम रहता है। तो मेरे पास और आज और मोबाइल है, अगर मेरी ड्यूटी जैसे नाइट में कहीं भी जाता हूँ दोस्तों, तो अगर मेरी लाइव चलती रहेगी और मैं किसी की और भी लाइव में रहता हूँ दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं। आज मैं बाहर की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, आप लोग को दूसरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।